हेलो फ्रेंड्स, देसी चूल्हा में आपका स्वागत है। आज हम कंडेंस मिल्क बनाएंगे। तो कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, 100 ग्राम चीनी है और 1 पिंच बेकिंग सोडा है। अब हम कंडेंस मिल्क बनाना शुरू करते हैं। पैन में दूध डाल देते हैं और फ्लेम को हाई पर कर देते हैं और दूध को गर्म करते हैं। दूध गर्म हो गया है, दूध में उबाल आने लगा है, बेकिंग सोडा डाल देते हैं। चमचे से चलाते हैं, बेकिंग सोडा डालने से दूध एकदम ऊपर आता है। अब चीनी डाल देंगे। चीनी, कंडेंस मिल्क बनाना बहुत आसान है। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लगातार चलाते हुए हमें दूध को गाढ़ा करना है और ध्यान रखना है कि दूध तली में ना लगे। दूध पहले से गाढ़ा हो गया है, दूध 50% रह गया है। हमें अभी और दूध को गाढ़ा करना है। दूध पहले से काफी गाढ़ा हो गया है, दूध 1/3 रह गया है। अब हम चेक करके देख लेते हैं कि कंडेंस मिल्क बना है या नहीं। चेक करने के लिए फ्लेम को लो पर कर देते हैं और 2 बूंद दूध प्लेट में डालते हैं। जब दूध ठंडा हो जाएगा तो हम उसे उंगली और अंगूठे से चिपकाकर देखेंगे। अगर एक तार बनता दिखाई देता है तो हमारा कंडेंस मिल्क बन गया है। हम दूध को अब बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, नहीं तो दूध जम जाएगा। अब दूध ठंडा हो गया है, हम चेक करके देख लेते हैं। एक तार बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो कंडेंस मिल्क बन गया है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और कंडेंस मिल्क को ठंडा होने देते हैं। जब ठंडा हो जाएगा हम बोल में निकाल लेंगे। कंडेंस मिल्क ठंडा हो गया है, हमने बोल में निकाल लिया है। अब हम इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख देंगे। जब जरूरत होगी तब हम यूज करेंगे। हम कंडेंस मिल्क को एगलेस केक बनाने के लिए, खीर को गाढ़ा करने के लिए, गाजर का हलवा और लौकी का हलवा बनाने के लिए और मिठाइयों में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मेरी कंडेंस मिल्क की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।